हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आज के सेशन में मैं मोटिवेशन के ऊपर बात करने वाला हूँ, संडे मोटिवेशन, जिसका हमने नाम रखा है कि संडे टू संडे आपको मोटिवेट करें। सो बिफोर आई स्टार्ट दैट, क्विकली टू पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, AIMOT 9 व्हिच इज ऑन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज लाइव। प्लीज गो एंड टेक द टेस्ट। द टेस्ट विल बी वैलिड टिल 10 AM। 10 AM तक आप कभी भी, 10 AM टू 10 PM आप कभी भी दे सकते हैं उसको। 1 hour टेस्ट, 30 questions। Go and test yourself out. It is not just about कि आप IIT JEE की तैयारी करें, it is more important how can you improve your maths. Second big thing is, आज रात को मैं 9:30 बजे आप लोगों के साथ 1-on-1 live discussion करूंगा, फिर से पढ़ाई पे चर्चा session 2 of this season, जिसमें हम बात करेंगे how to prepare for IIT JEE in remaining 4 months. For that, what you guys have to do, if you have any query or you want I should take your doubts, प्लीज राइट इन दी कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उस क्वेश्चन को ऑटोमेटिकली अपनी पीपीटी में उठा लूंगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो व्हाइल दी सेशन इज ऑन। ऑलराइट गाइस, नाउ कमिंग बैक टू व्हाट इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, द मोटिवेशन पार्ट। ठीक है, यू कैन सी दिस, व्हाट इज देयर ऑन माई स्क्रीन, चंद्रयान 2। तो आज का मोटिवेशन मैं चंद्रयान 2 से लिंक करने वाला हूं। मैं बार बार बोलता हूं कि मोटिवेशन के लिए हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं होती है, मोटिवेशन हमेशा हमारे आसपास होती है। We all were waiting anxiously for Chandrayaan 2, Vikram, to land on moon. ठीक है, रात के 2 बजे सब बैठे थे यार, स्क्रीन पे ग्लूड बैठे थे, यूट्यूब पे लाइव स्क्रीनिंग हो रही है, सब लोग बैठे हैं और पता चलता है कि यार सिग्नल मिलना बंद हो गया है, क्रैश कर गया, सब तरीके की बातें हुई। तुम सोचो, तुम एक IIT के पेपर के लिए जो तैयारी कर रहे हो, उसमें तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, या बाय चांस की बात, खुदा खास्ता आपकी रैंक नहीं आती है, तो हम ऐसा फील करते हैं कि यार दुनिया लुट गई। जस्ट इमेजिन चंद्रयान जैसा प्रोजेक्ट, जिसमें सिर्फ एक आदमी की एक्सपेक्टेशन नहीं, पूरे देश की एक्सपेक्टेशन उसके ऊपर है, जो कंट्री का अभी तक का मोस्ट इनोवेटिव इन टर्म्स ऑफ साइंस प्रोजेक्ट माना गया, जिसको इट वॉज अपलोडेड एवरीवेयर, वो खराब हो जाता है। इससे ज्यादा बड़ा सेटबैक क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। बट स्टिल, डू यू थिंक, तुम खुद सोचो अपने आप से, क्या अगर एक चंद्रयान का एक मिशन फेल हो गया तो क्या इसरो काम करना बंद कर देगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, सारे साइंटिस्ट छोड़ के भाग जाएंगे, बोलेंगे यार हमने काम नहीं करना, क्यों, हमने किसी चीज को ट्राई करा था और वो नहीं हुई। हो सकता है क्या ऐसा? यू वेरी वेल नो कि इसरो के साइंटिस्ट ने ऐसा भी नहीं करा होगा कि यार बस प्रोडक्ट बनाया, आपने प्लेन बनाया और आपने सैटेलाइट सीधा लॉन्च कर दिया, या फिर मून लैंडर एक बार बनाया और सीधा लॉन्च कर दिया। उन्होंने कम से कम उस लैंडिंग को 1000 बार टेस्ट करा होगा पहले लॉन्च करने से। उस 1000 जो लॉन्च करे होंगे उन्होंने अपने सेंटर्स में, उसमें सोचो कितनी बार फेलियर आया होगा, उन्होंने उन सबको अप्रिशिएट करा होगा। सो जस्ट इमेजिन, मैं बार बार रिपीट करता हूं, हर स्टोरी हमेशा रिपीट होती है, बस सिर्फ सिनेरियो चेंज हो जाता है। अभी आपके लिए स्टोरी IIT के लिए है, इसरो में बैठे साइंटिस्ट के लिए वो स्पेस मिशन है, बट द पैशन, बट द करेज, बट द डिटर्मिनेशन रिक्वायर्ड इज एग्जैक्टली द सेम इन व्हाटएवर यू डू, इन व्हाटएवर यू डू इन लाइफ। तो सोचो उस 1000 बार अटेम्प्ट करने में उन्होंने 1000 बार रिजेक्शन खाया होगा, और वो इसरो के साइंटिस्ट हैं, तुम तो अभी अपने आप का कैलिबर भी प्रूव नहीं कर पाए हो। हाईली कैलिबर साइंटिस्ट फेलिंग एवरी डे टू मेक श्योर दैट ऑन द फाइनल डे इट वर्क्स आउट, एंड वी गॉट टू नो दैट ऑन द फाइनल डे ऑल्सो इट गॉट्स रिजेक्टेड। ऑब्वियसली 2 दिन के लिए बहुत बहुत डिप्रेशन हुआ। यू कैन सी दैट जो इसरो के चेयरमैन थे उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाके गले लगाया, और ही वाज क्राइंग देयर, वो दिख रहा था कि यार एग्नी है, पेन है, इतनी मेहनत करी जिस चीज के लिए, वो नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। बट यू वेरी वेल नो दैट ये छोटी सी जो ग्लिच है ना, जो प्रॉब्लम है, जिसे कह रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर भी सारे इंडियंस खुश हैं, एंड वी शुड ऑल। अगर आपको चंद्रयान 2 से एक्सपेक्टेशन थी और आप समझते हो कि वो बहुत अच्छा काम था, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जय हिंद। हमें जय हिंद लिख के लिखना चाहिए, पेट्रियोटिज्म सही जगह पे दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही जगह पे टैग हैशटैग यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चंद्रयान नीड्स योर सपोर्ट। देखा जाए उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्यों, दे आर हाईली डिटरमिन्ड पीपल, उन्हें पता है कि यार एक मिशन फेल हुआ, हम 2 दिन बिल्कुल होगा स्ट्रेस में रहेंगे, पर तीसरे दिन हम वापस बैठ के अगले मिशन पे काम करना शुरू कर देंगे, विच दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो कि अगला जो मून लैंडर है वो जापान के साथ बिल्ड करने वाले हैं, विच विल बी मच बिगर मिशन देन दिस, सो दे आर ऑलरेडी 1 step अहेड ना। तो फेलियर को हम ना बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, हम पेरेंट्स भी, हम बच्चे भी, फेलियर को हमेशा ग्लोरीफाई करने में लगे रहते हैं। ग्लोरीफाई बोले तो कि हम चाहते हैं कि यार फेलियर सर पे बैठा ले। फेलियर इज नथिंग, हम अच्छा इसमें फेलियर की अगर मैं बात करूं, हम हमेशा ना 2 चीजें देखते हैं, सक्सेस फेलियर, सक्सेस फेलियर। मतलब हम सिक्का होता है, जैसे सिक्के को आप टॉस करते हैं, यू टॉस अ कॉइन,
हेड और टेल। तो हम सोचते हैं सक्सेस और फेलियर भी दो चीजें हैं। वेयर एज दिस इज नॉट ट्रू। फेलियर इज जस्ट वन पार्ट ऑफ सक्सेस। यू विल फेल एन नंबर ऑफ टाइम्स टू बिकम सक्सेसफुल वन टाइम। सो हम फेलियर से इतना ज्यादा परेशान हैं अपने, उसके चक्कर में टॉपर क्या कर रहा है यार, ये वाला चैनल वाला क्या कर रहा है, ये टीचर क्या करवा रहा है, ये इंस्टीट्यूट क्या करवा रहा है, हम सब जगह देखने को तैयार हैं, अपनी इंप्रूवमेंट करने को हम तैयार नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम विद फेलियर। इफ यू आर वर्किंग, फेलियर्स आर बाउंड टू हैपन। अ बिगर मच लार्जर इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट लाइक चंद्रयान कैन नॉट गो 100% राइट। आई शुड नॉट यूज द वर्ड फेल बिकॉज इट इज नॉट अ फेलियर, इट इज रियली सक्सेसफुल। उसने हमें दिशा दिखाई है। जस्ट इमेजिन सक्सेस की अगर मैं पैरामीटर की बात करूं, व्हाई आई एम सेइंग बार बार कि चंद्रयान इज अ बिग हिट, आपको नहीं लगता कि आप अब शायद साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? यू पीपल डू वॉन्ट टू गेट इन टू इसरो एंड मेक समथिंग फॉर इंडिया ऑन अ स्पेस लेवल। हमारे टाइम पे नहीं था यार, हमारे टाइम पे नहीं था। हमें टाइम पे जब हम इंजीनियरिंग करते थे ना तो भीड़ चलती यार, हाँ ये हो गया, क्यों? हमें पता था यार इंडिया में कुछ नहीं होता, अगर हमें साइंटिस्ट वगैरह बनना है या फिर कुछ अच्छा काम करना है तो यूएस में जाके करना है। यू गाइस हैव अपॉर्चुनिटी राइट इन फ्रंट ऑफ यू, मोटिवेशन आंखों के सामने बैठी है तुम्हारे, तुम्हें फिर भी यार मोटिवेशन चाहिए। प्लीज गेट सीरियस अबाउट योर लाइफ। फेलियर इज जस्ट पार्ट ऑफ सक्सेस, इट इज नॉट yes or no, half probability, 50% probability, see 50% probability. If you want to get above the higher level, ek level achieve karna hai, get ready for failures. Jitna jyada failures aayenge, that means utna jyada jab success milega, uski value hone wali hai. Iska matlab wo bahut upar ke level ka kaam hoga. So embrace failures. Be determined about I will just stick to my goal. Failures आएंगे, accept करूंगा, उनको improve करूंगा, जिससे अगले failure में पुराना failure repeat ना हो, और हो भी गया फिर से improve करूंगा, so that मैं हमेशा अपने focus goal पे रहूं। ठीक है, तो please do not worry about failures. हर बच्चा तुम में जो ये video देख रहा है उसमें काबिलियत है, शायद इस समय वो काबिलियत क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं हो रही, बट यू आर ऑल सुपर टैलेंटेड guys. आई एम डैम श्योर कई बच्चे जो इसमें वीडियोस देख रहे होंगे वो शायद आगे चल के चंद्रयान जैसे बिग प्रोजेक्ट में इसरो में जाके साइंटिस्ट बनेंगे, कई लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके बड़े बड़ी पोजीशंस में बैठेंगे, कई लोग हो सकता है बिजनेस ही करें, बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई ना कर पाए पर फिर वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे। सो दैट मींस यू गाइस हैव पोटेंशियल, बट स्टार्ट रियलाइजिंग दैट फेलियर्स इज जस्ट वन पार्ट ऑफ सक्सेस, इट इज नॉट ईदर और, ईदर और रिलेशन नहीं है। तो जाइए पढ़ाई करना शुरू करिए, फेलियर्स से भागने की जरूरत नहीं है, फेलियर्स को आने दो। जितने ज्यादा फेलियर्स पहले आ जाएंगे ना लास्ट दिन फेलियर आने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई विल सी यू 9:30 टुनाइट ऑन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेई मेंस जनवरी एडिशन इन कमिंग 4 months। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, जो आप चाहते हैं जिसका मैं आंसर करूं, और उसके साथ टैग करेंगे जय हिंद। गॉड ब्लेस, कीप वर्किंग हार्ड।